हमीरपुर को भंग करने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिला में सियासी घमासान मचा हुआ है। भाजपा इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने का प्रयास कर रही है। वहीं कांग्रेस संगठन की तरफ से इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखा जा रहा है। हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता नरेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस फैसले को ऐतिहासिक करार दिया है। हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नरेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस फैसले को ऐतिहासिक करार दिया है। भाजपा नेताओं के बयानों पर प्रेस वार्ता कर पलटवार करते हुए नरेश ठाकुर ने कहा कि इस कार्यालय को बंद नहीं बल्कि भंग किया गया है। सरकार की तरफ से पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि तमाम जांच पूरी होने के बाद कार्यालय सुचारू रूप से कार्य करेगा। हैरानी का विषय ये है कि पिछले 3 साल से कर्मचारी चयन आयोग में ये धांधली भर्ती में हो रही थी, जबकि पूर्व की भाजपा सरकार ने इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस मुद्दे पर दुष्प्रचार कर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। भाजपा के नेताओं को ये समझ लेना चाहिए कि आयोग को भंग करने और बंद करने में अंतर होता है।